रात कली गुफा और गले स्थिति में ही तो कहने लगा लख करके आनन करके आनन हंसता तसानन सुनिए प्रभु ये वाणी पानी सुन गए ऐसी सब हो गए उनके हृदय समानी ऐसी वाणी रावण ने बोली कि प्रभु श्री राम उसके साथ निरंतर हो गए प्रभु आपकी हार अब रावण ने अंतिम तर्क दिया और वो तर्क क्या रहा तर्क दिया कहने लगे आए राम आप विवश हो गए मेरे जीते जी आप लंका नहीं आ पाए लेकिन राम मेरी किस्मत तो देखिए मेरा पुरुषार्थ तो देखिए कि आपके जीते जी मैं वहां जा रहा हूँ आपके धाम जा रहा हूँ कहने लगे जी अपने हुए सच न सपने सुनील भैया सुनिएगा जीते जी अपने हुए सच न सपने नगरी में आने ना दिया जी राम मेरे भवन में नहीं आ पाए मेरी लंका में नहीं आए जीते जी अपने हुए सच न सपने नगरी में आने ना दिया ना।
नाम लगाया है, प्रयास करेंगे। देखे प्रभु की जो सुंदर सी छवि को देखा, हर के स्वामी जीत है मेरे, जीत के आपकी हार। अरे सम्मानी बड़े भैया, भैया श्री मुन्ना यादव जी ड्राइवर मुन्ना जी आने वाले कहना है गाया है दुनिया वालों ने। कौन सा गाया? क्या गाया? तालियों के लिए गाया है पूरी दुनिया वालों ने। मीठा मीठा दर्द है, मीठी मीठी प्यास है, जब आती है स्वीच खा कर जाती है।
ज्योति कमल जी, और ये गीत क्योंकि हमारी आपकी दूसरी मुलाकात है, ये गीत आपके सामने आ गया है। और जो बात मैं रखूंगी वो सबके समझ में आएगी, कोई विशेष बात नहीं है जिसे समझाया जाए। कहना पारस मणि कहलाती है, दिखाती है। और इसका कार्य क्या भैया, कि ये जिसको मिल जाती है वो अद्भुत कार्य दिखाती है। तो पारस में लोहे को छुआ तिवारी और बड़े भैया क्षमा कीजिएगा गुरुवर, हमारे जो साथ ना देते तो ये कुछ नहीं है। तो कहा जा सकता है ये लोग पारस मणि है। जब इस पारस मणि ने इस लोहे को छुआ तो कहना पड़ता कि पारस ने लोहे को छुआ लोहा भी सोना हुआ। नहीं ज्योति जी, क्योंकि वास्तव में जिन कलाकारों के हम कदमों की धूल नहीं है वो कलाकार आज हम लोगों को सुन रहे हैं। हुआ क्या, एक राजा हुए जिनका नाम था श्वेत। उन राजा की विशेषता देखिए, राजा ने अपने जीवन काल में बहुत दान दिया, बहुत दान दिया, लेकिन दान किस चीज का दिया, पूरे जीवन सोने सोने का दान दिया। वो जब सोने का दान दिया, वो जब राजा पर लोग सिधार गए तो जो जैसा होता है वैसा तो पाता है। और यही कारण है कि अंत समय में लोग अन्न दान कराते हैं, लेकिन राजा ने सोने का दान दिया तो परलोक को सोना मिला। अब देखिए राजा परेशान है सोने से, कहना पड़ा और प्यास से, तो कहने लगे हे यमराज आपके लोक में हूं और मुझे इधर परेशानी है। तो कहने लगे बोले यमराज से कृपा तरसाइए, तरसाइए, मैं भूख प्यासा हूँ कुछ भोजन कराइए। भोजन लाइए, मैं भूख प्यासा हूँ तो भोजन कराइए। जो रूखा सूखा है वो खाने को लाइए, नाथ मुझे थोड़ा सा तो पानी पिलाइए।
साथ एक दिक्कत है। क्या है? जो रूखा सूखा हो तो खाने को लाइए, नाथ मुझे थोड़ा सा तो पानी पिलाइए। क्यों दिल मेरा रोता है, क्यों ऐसा होता है? दिल मेरा रोता है, क्यों ऐसा होता है? तुम मैंने चुपा हुआ ये सोना। राजा ने देखा
हुआ वो सोना। अब राजा को याद नहीं रहा उनकी 5 वर्ष की कन्या है, वो कन्या जैसे ही दौड़ कर आई तो हुआ चंद्र जब कुंवारी को छुआ, चंद्र जब कुंवारी को छुआ नहीं चाहिए। तब महाराज वो ऋषिवर कहने लगे, क्या आए राजन, ये तेरी दशा नहीं, इस जनमानस की सबकी दशा है। लोग जिसे हो जाता है हो जाता है, केवल भक्त हो जाते हैं नहीं। तो हर एक रिश्ता नाता है तो सब पीछे हो जाता है, तो अति लोभ जिसको भी हुआ, अति लोभ जिसको भी हुआ के लिए। गाया है कि मांग तेरी सिंदूर भी तेरा, मांग तेरी
क्योंकि जीवन विशेष दिन आता है जहां मिलन है और जुदाई है। जब वो समय आया एक लड़की तैयार है सज धज कर उसकी विदा का समय आया, विदाई होनी है। जब विदाई का समय आया तो हुआ क्या, माता ने देखा मेरी लाडली बिल्कुल एक गुड़िया की तरह सजी है। माँ आई, माँ ने जैसे उस लाडली को देखा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। जब आंसू झरने लगे तो देखिए वो गुड़िया अपनी माँ से कहने लगी कि माँ आज मेरा आपने कन्यादान कर दिया। जब कन्यादान कर दिया तो आपसे ज्यादा अधिकार मेरे पति का मुझ पर हो गया। तो कहने लगे मैं गुड़िया हल्कू महाराज जी जहां भी हो अपनी गाड़ी में पहुंच जाएं। ऐसा हमारे भैया के भैया का आदेश है। हुआ क्या, अब देखिए वो माँ परेशान है। जब उस लड़की को गुड़िया को देखा, सुंदर सी गुड़िया सजी है विदाई के लिए खड़ी है, तो वो माँ रोने लगी। जब माँ रोने लगी तो कहना पड़ा जाने लगी और माँ ये देख रही है कि मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई, आज मुझको समझा रही है। जय हो नारायण, जय हो। कहने लगी की। तो मैं
हो गई कि आज मुझको शिक्षा देने लगी, मुझको शिक्षा देने लगी। माँ ने अपने आंसू पोंछे, आगे चली तो देखा उसका छोटा भैया रो रहा है। अब जब रो रहा है बहन खड़ी हो गई, अब देखिए उस भाई ने हाथ बढ़ा दिए बहन के आंसू पोंछने के लिए। जब हाथ बढ़ाए तो भैया इतना छोटा कि बहन के मुख तक नहीं पहुंचा, आंखों तक नहीं पहुंचा। तो वो कहने लगी, ए भैया क्यों रो रहा है, क्योंकि तू छोटा अभी तुझे बोध नहीं इस बात का, क्यों रो रहा है, कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो बोल। क्या बात है? भैया ने उत्तर दिया, कहना पड़ा। बहना बोली सुन मेरे भैया, मैं द्रौपदी हूँ तू है कन्हैया, कसम है रक्षा बंधन की। अब आंसू नहीं निकलने चाहिए, बहन ने समझाया, कसम बंधन की। तू जा बहना तू अपने वीरन की, छोटा भैया है बहुत थबक थबक कर रो रहा है। उस भाई ने उत्तर दिया, बहन मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल एक वचन चाहिए। आपने तो मुझे जितना कुछ दिया है संसार में कोई दे नहीं सकता। तो कहना पड़ा, कहना चाहिए लेकिन कब भेज दियो था गे का तेरा, तू आए जब सावन की, तू आए जब सावन की। जा बहना जा, जा बहना जा, जा जा बहना तू अपने वीरन की, जा बहना अपने वीरन के, जा बहना अपने वीरन के, जा बहना।
सच्चे दरबार की।